हेलो गाइस, मेरा नाम है त्रिवेश और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 3 रीज़न की वजह से ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। पहला रीज़न ये है कि आपके जो भी सजेशंस होते हैं मुझे और धीरे धीरे बताते रहिएगा ताकि मैं इम्प्रूव करता रहूँ। क्योंकि कल मेरे एक सब्सक्राइबर से बात हुई, मिस्टर तरुण, उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि जितना मैं सिखाता हूँ उस सब का एक छोटा सा पैराग्राफ बना के, स्टोरी टाइप बना के आपका रिविजन कराऊँ, या फिर कोई एक स्टोरी लूँ किसी बुक के किसी पेज में से, उसको पढ़ के बताऊँ, ट्रांसलेट करके बताऊँ ताकि आप लोगों का रिविजन हो। मुझे ठीक लगा, मैं ये भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि आप लोगों को इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, और उसका रीजन मैं तीसरे पॉइंट में बताने वाला हूं। तीसरा पॉइंट ये है कि इंग्लिश में जब से मैं उतरा हूँ सिखाने के लिए, ठीक है, इस चीज़ में जब से मैं उतरा हूँ मैंने इतनी बेकार चीज़ें देखी हैं जो मतलब मुझे बहुत बुरा फील होता है। मैंने ये चैनल क्यों बनाया? मैंने इसीलिए ही बनाया क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब से लोगों को इंग्लिश सीखने में नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग अपना सिखाते हुए जा रहे हैं, उनको सब्सक्राइबर से उनके कमेंट से कुछ लेना देना है ही नहीं। बस हमें जो सिखाना है हमने सिखा दिया और हम साइड में हो गए, ठीक है। जो बड़े चैनल्स हैं उनके सब्सक्राइबर्स इतने सारे क्यों हैं? क्योंकि उनकी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन बैचेस चलते हैं। तो अगर उनके ऑफलाइन बैच में 1,000 लोग आए, उसमें से 700-800 लोग तो वैसे सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है। वहां से उनका चैनल ग्रो करता है और हम देखने वालों को ये लगता है कि ये चैनल बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ कंफ्यूज करते रहेंगे, सिखाएंगे कुछ भी नहीं। तो एक पूरे प्रोग्राम को तमीज़ से कैसे चलाया जाएगा, हम गलतियां करते करते सीखेंगे और एक टाइम आएगा कि ये प्रोग्राम पूरा तमीज़ से बन चुका होगा, ठीक। और इंग्लिश का जो बिजनेस किया हुआ है एप्लीकेशन का, ये एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि इंग्लिश कौन सीखना चाहता है? जो लोग फाइनेंशियली थोड़े कमज़ोर हैं, जिन लोगों को वो माहौल नहीं मिला, गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी मीडियम में पढ़े हुए या घर पे वो माहौल नहीं है, वो सीखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मजबूरी होती है। मेरे खुद के अंदर ऐसे लोगों ने काम किया जो मुझसे एज में 5-5, 6-6 साल बड़े हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस और इंग्लिश की वजह से वो ज़्यादा आगे नहीं चल पाए, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि यार किसी को, अगर एक इंसान को भी मेरे वजह से आ जाती है और उसका भला हो जाता है, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इंग्लिश ऐप से क्या होता है, अगर एक चैनल है जिसके 8 या 9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उस बंदे का एप्लीकेशन उसने निकाली है कि 1,000 रुपये में आपको ये कोर्स करना है, ठीक है, 1,000 रुपये, 999, और उसी में एक और है एडवांस का 1499, 1,500 रुपये। 90 लाख जिसके सब्सक्राइबर हैं, उसमें से मैं कह रहा हूँ 1 लाख लोग का एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ 1 लाख, 1 लाख लोगों ने मिनिमम आपका जो कोर्स है 1,000 वाला वो ज्वाइन कर लिया, उससे आपकी कमाई होगी 10 करोड़ की, 10 करोड़ की कमाई। इतना बड़ा बिजनेस है ये। क्यों मजबूरी का फायदा उठा रहे हो लोगों की? क्यों मतलब आप एक काम करो, अपना YouTube चैनल बंद कर दो, क्योंकि आप तो YouTube पे फिर सिखा ही नहीं रहे हो। अगर आपको एप्लीकेशन बनानी ही पड़ी है तो आपका YouTube चैनल पे क्यों सिखा रहे हो? मतलब वहाँ पे आप नहीं सिखाते हो। और Facebook पे मेरी कुछ बात हुई थी, मैं इसको स्क्रीनशॉट लगाना चाहता हूँ लेकिन लगा नहीं सकता, कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। उस बंदे ने मुझे ये बोला हुआ है कि हम ऐप में ना उसको और अच्छे तरीके से सिखाएंगे, उसमें हमारी टीम मेहनत करेगी। अरे आपको अच्छे तरीके से सिखाना तो यूट्यूब पे सिखाओ ना, उसमें अपनी टीम मेहनत नहीं कर रही है इतने साल से सबसे नहीं सिखाया गया कि अब एप्लीकेशन निकालनी पड़ रही है। इतने सारे चैनल से जो एप्लीकेशन निकाल रहे हैं अपनी कि हाँ हमारी एप्लीकेशन से सीखो, क्यों क्यों पेमेंट करें? तो एक काम करो, पहले अपने यूट्यूब चैनल बंद कर दो, सारे सब्सक्राइबर्स हटा लो, आपको यूट्यूब से भी कमाना है, आप एप्लीकेशन भी लेकर आओगे, आपके ऑफलाइन बैचेस भी हैं, कितना क्या इसको क्या बिजनेस बनाना है। इतना गुस्सा आता है इन चीज़ों को देखकर कि चलो ठीक है, हमें समझ में आता है कि आपने YouTube पे और चैनल बना लिए कि एक स्पीकिंग का है, एक वोकैबुलरी का है, एक इस चीज़ का है, एक उस चीज़ का है, समझ में आता है। अब एप्लीकेशन भी बनाएंगे, अब ऑफलाइन क्लासेस भी लेंगे, मतलब कितना निचोड़ना है लोगों को, कितना निचोड़ना है। आप 2 चैनल बनाइए, 3 चैनल बनाइए यूट्यूब पे, ऑफलाइन क्लास भी दीजिए, समझ में आता है, लेकिन उसमें तमीज से सिखाइए तो सही। एप्लीकेशन में आपकी गारंटी क्या है? आपने कहीं पे लिखा हुआ है कि भाई अगर आप इतने महीने में इंग्लिश नहीं सीखे तो इस एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल करोगे तो आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे? ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है और लोग उस चीज़ में बेवकूफ बन रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो सीखना चाहते हैं। तो आप ये चीज़ें ना करें। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो जो सीखना चाहता है, डेस्परेट है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप में से हर इंसान 2 लोगों को भी ये वीडियो को पहुंचा के सब्सक्राइब करवाने के लिए बोलता है,
तो तब भी ये चीज़ ग्रो करेगी। और मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी मेरे पास डाउट्स आएंगे लोगों के, मैं उन पे काम करूं और उस चीज़ को हम फॉलो करके इस प्रोग्राम को और बेटर बनाएं, ताकि इन दी एंड हम सबके पास एक ऐसा प्रोग्राम हो जिसको देख के एक्चुअल में लोग सीख सकें। ये एप्लीकेशन, पेड ऑनलाइन क्लासेस, पेड ऑफलाइन क्लासेस, इन सबको बंद ही करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि एक लैंग्वेज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जादू नहीं है, एक लैंग्वेज है जिसको सीखना बहुत ईजी है, सीख सकते हैं। तो अगर आपको कुछ समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।